ये सब नाचना वाचना छोड़ क्यों नहीं देती? आप क्या करते हैं? मैं पास में एक गांव है फुलेरा, उधर पंचायत सचिव हूँ। आपको पसंद है आपका काम? नहीं पसंद है, इसलिए एमबीए की तैयारी भी कर रहा हूँ साथ में। मतलब आप भी एक तरह से नाच ही रहे हैं। पिछले इलेक्शन में वादा किया था कि गांव का पूरा मेन रोड पक्का करवाएंगे, एक इंच काम नहीं हुआ है। हुआ तो है, गांव से ऑफिस तक तो बनी गया है। ऑफिस से मेन रोड तक का हालत देखें आप। सुनिए, आज एक तारीख आप फाइनल कीजिए, नहीं तो कह रहे हैं यहीं पे पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे हम। क्या आत्मदाह का बात थोड़ा ज्यादा बोल दिए हैं ये सचिव जी? आप ही सोचिए ना, ये रोड के चलते हमारा नया गाड़ी का वो शॉकर दो बार बैठ गया है। हाँ, हमको लग रहा था कि हमारे गाड़ी का शॉकर इनकी वजन से बैठ रहा है, लेकिन नहीं, ये तो खराब सड़क होने की वजह से बैठ रहा है। आज आप फाइनल तारीख बताइए। अरे भूषण जी, मैं कहाँ से फाइनल कर दूं? तो फिर कौन करेगा? अरे मेरे हाथ में थोड़ी है प्रधान जी। बढ़िया से बढ़िया आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है, समझे? दारू मार सर। क्या हुआ सर? दारू जैसा मुआ कराया कुछ नहीं क्या? अरे आपने दारू भी रखी क्या? बंद करो गाड़ी, बंद करो, जाने दे, बंद करो। अरे नशा मुक्ति अभियान की गाड़ी, खुद दारू पी के चला रहे हो आप, क्या पागलपन है? गाड़ी बंद करो। क्या बोल रहे हैं हम? बाहर निकले, बाहर निकले, पहला चलो बुलाया अभी हम। बंद करो गाड़ी। अरे आप बंद करिए गाड़ी, आप क्या कर रहे हो? एक मिनट बंद करो, जल्दी जल्दी। बाहर निकलिए, चलो। बलिया से ऐसी चला के ला रहे, कोई मारा? हम लोग कैसे पता कि तुम रास्ते में किस किस पे चढ़ाए हो? चक्का देख लीजिए, चढ़ाएंगे तो खून लगा होगा ना। हाँ तो देखेंगे हम। मेरे भाई तो भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी। आपसे बात नहीं कर सकती थी? नहीं तो क्या गोदी में बैठ के बात करते? मम्मी सारा दिन मम्मी मम्मी करती रहती है, क्या करें हम? वो हमारा चार्जर नहीं मिल रहा था। तो हम क्या करें, चार्जर नहीं मिल रहा? चार्जर चार्जर दिन रात चार्जर चार्जर फोन में घुसे रहना, और कोई काम धंधा तो है नहीं। मोबाइल मोबाइल जैसे। झूठ मत बोलिएगा, आप भी देखे थे दोनों एक दूसरे से कैसे मुस्कुरा के मिले थे। अच्छा हो सकता है दोनों में अभी कुछ नहीं चल रहा हो, लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर कुछ चलने लगे बड़ा भारी कांड हो जाएगा। रिंकी का शादी का बात चल रहा है, आपको क्या लगता है प्रधान जी सब चीजों कैसे लेंगे? प्रधान जी सच में तो मार हो जाएगा और धर्म संकट में पड़ जाएंगे हम दोनों। कारी बाबू हैं, गोल मोल जवाब देने का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद जब आप प्राइवेट नौकरी में जाएंगे तो यही सब बहुत काम आएगा आपको, समझे ना? चलिए ठीक है प्रधान जी, मैं देख। अरे नहीं बैठे तू। अरे क्या हो? छोड़िए भैया, मुंह लटक गया। तो हम कौन सा इनका जीप पकड़ के लटक रहे हैं? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। बैठिए बैठिए भैया। भैया एगो बात बोले, बड़ा बढ़िया बोलते हैं। अरे आप दे, चलो गुलाम मुझे हमें दे दो। हाँ चलो जाओ। अरे यहीं से निकल जाते, कहाँ इतने बड़े आदमी को घूम के जा रहे हैं। सही बनाया। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। पकौली बाजार से। डबल थैंक यू। हाँ वो मंदिर पर बोलना भूल गए थे उसी का। तो ले आए हैं ये, हमने तो नहीं चाहते थे सब केक वेक लेके। अब ले आए हैं डांस आते कल्चर ये सब एक बार देता है। हाँ मैं खाने के लिए मुझे नहीं पसंद कोई ये बोले कि मैं चाटता हूँ किसी की। अरे आपको लगता है कि आप हमारी चाटते हैं? नहीं हमको भी नहीं लगता, और चाट रहे हो तो हमको पता चल जाता। देखिए सचिव जी, सच्चाई क्या है वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, फिर वो क्या बोल रहा है साला, क्या फर्क पड़ता है?
ताजे ताजे तोड़े थे तो आपको कटहल बहुत पसंद है तो हमने सोचा लेते चले। अरे ताजा ही तोड़ा है, घंटा हुआ है ज्यादा से ज्यादा। सीधे पॉइंट पे ये दुबे जी, क्या काम है? टूटता रहेगा, इधर तुम शौचालय के नाम पे गड्ढे में हगते रहोगे, यही करना है बाकी जिंदगी। तो क्या करें भैया? आवाज उठाना पड़ेगा विनोद, आवाज उठाना पड़ेगा। डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। ऐसे जल्दी का बे, हम बता रहे भैया कि हम पैंट में हक देंगे। ठीक है, तुम पैंट में हक दो लेकिन खेत में झाड़ा फिर नहीं देंगे। पानी फेंको इसका, पानी, ये ढक्कन बंद है इसका, पोता देगा उसको। पागल हो गया पपे, हैं तुमको हकने के लिए घर पर बुला। वीडियो मत हटाइएगा नहीं तो बकरी नहीं मिलेगी। ए माधव, ए माधव, तुम पुलिस के सामने गवाही दोगे ना? ये लोग क्या कर रहा है मेरे साथ, गवाही दोगे ना दोस्त? आपका वाला वीडियो भी बगल में ही है। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। गुंडागर्दी है ये, विशुद्ध गुंडागर्दी है ये। अच्छा, शुरू किसने किया था? तो क्या करना है क्या नहीं, दो कौड़ी का सचिव है, हमको राजनीति सिखाएगा तू? नहीं जी, भौसड़ी के तुम्हारे जैसे को 10 ठोकर रखते हम कुर्ता के जेब में बे। तुम्हारा जो टोन है ना बोलने का, टोन नीचे करके बात कर, समझा कि नहीं? औकात में रहा करो। जान दिए तो बता दो तुमको औकात हम अभी दुबे जी इसको लेके जाइए, आपका लिहाज कर रहे हैं तो यहाँ हम उसको टांग देते। बताइए दुबे जी कैसे आना हुआ? प्रणाम दाई जी। ये क्या? अरे अपने खेत का है, एकदम कौला है, एकदम ताजा ताजा, एकदम ले आया आपके लिए। हमारे मुंह में ठूस दीजिए इसको, वहां रखे ना। ऐसा कैसी बात करते हैं, वहाँ दूध बचा हुआ रखा है, खराब हो जाएगा। आचा जी चाय रहने दीजिए। चलिए ठीक है। तो भाई सुनना, मेरी एक फोटो ले लो भैंस के साथ। अरे चलना अभी बाद। यार भाई प्लीज यार, एक फोटो स्टोरी डालूंगा यार। अरे खींच लीजिए खींच लीजिए, रोज रोज गाँव थोड़ी आना होता। चलिए खींच लीजिए, खड़े हो जाइए। बस एक फोटो तीन चार एंगल से, ठीक है? ये एक एक ऐसे खींचो, एक ऐसे। बहुत सीधा साधा भैंस है भाई। भाई भैंस क्या है? बीन बजाने वाला। दिल्ली में भैंस नहीं होता क्या? आगे लेके मम्मी।